उम्मीद जब आप लोग खैरियत से होंगे तो एक्सएस सिक्स पॉइंट टू का डिस्कस कर रहे थे और आज हमने उसको एंड करने सो क्वेश्चन नंबर नाइन अगर आप देखें उससे पहले स्टेटमेंट लिखी हुई परफॉर्म द इंडिकेटेड एंड सिंप्लीफाइड टू द लोएस्ट टर्म्स जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारे पास एडिशन और के केसेस आते थे यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केसेज हैं तो स्टूडेंट्स मैथड वही रहेगा आपने फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिम्पलीफाई कर लेना सो स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट द फर्स्ट टर्म दैट इज तो बेटा जी फैक्टर्स क्या बनेंगे सिक्स इंटू वन सर सिक्स आएगा और स्टूडेंट्स आपको प्लस एक्स चाहिए तो ऑब्वियसली थ्री के साथ आप क्या यूज करेंगे प्लस यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा एक एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स अब डिवीजन में भी स्टूडेंट्स वही फैक्टर्स आपके बट तो यहाँ पर माइनस है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फिर ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा सो so, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बायस एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वेयर और फोर को आप क्या लिखेंगे टू का स्क्वेयर सिमिलरली इस एक्स को आप लिखेंगे एक्स का स्क्वेयर बेटा जी नाइन को आप लिखेंगे थ्री का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स कॉमन तो सर इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस टू तो बेटा जी ये भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स कॉमन तो बेटा जी एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन तो एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी एंड सो में डिनिटर में भी फार्मूला सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब बेटा जी इसे जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस थ्री इं एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस थ्री इन टू एक्स माइनस थ्री अब देखें स्टूडेंट्स कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं सो बेटा जी एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स प्लस थ्री से एंड सिमिलरली एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स प्लस टू से और स्टूडेंट्स लिमिटर में आपके पास क्या आ रहा है एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू तो बेटा जी एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से मल्टीप्ला होकर क्या आ गया एक्स माइनस टू का स्क्वेयर एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री तो स्टूडेंट्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्ला होकर क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा so so सो दैट से क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन टेन में फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स एक्स क्यूब लिखा हुआ तो बेटा जी आप जानते हैं उसको आप लिख सकते हैं एक्स का क्यूब एट तो बेटा जी एट किसका क्यूब होता है सर so, टू का क्यूब होता है एक्स को आप एक्स लिखेंगे एक्स का स्क्र और स्टूडेंट्स फोर का आप क्या लिखेंगे स्क्वेर ऑफ टू ब्रेकिंग तो देखें एट इंटू वन एट आ जाएगा फैक्टर्स प्लस सिक्स चाहिए तो बेटा जी फोर टू जो एट एंड फोर प्लस टू सिक्स एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट एंड डिनोमेटर स्टूडेंट से मिड टर्म ब्रेक भी हो रहा है और आपका फार्मूला भी बन रहा है सर so फार्मूला कैसे बन रहा है इस एक्स को आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स वन क्या आ जाएगा वन का स्क्वेयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी So, अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो बट इज एक्जैक्टली यही टर्म बनेगी जो आपको गिवन अब स्टूडेंट्स फार्मूलास ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय देखें बेटा जी x कॉमन तो x प्लस फोर टू कॉमन तो x प्लस फोर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला इज ए माइनस बी होल स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप तो देखिएगा जरा x माइनस टू इन टू एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अब देखें बेटा जी जो टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो रही हैं उससे आप कैंसल आउट कर दें आप देखें एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से कैंसिल आउट हो रहे हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से कैंसिल आउट हो रहा है और स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अलावा कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कैंसिल आउट हो रही हो सो फाइनल आंसर विल बी एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर सो दैट्स इट बेटा जी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर टेन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है आपका ये एक वाई वेरिएबल में अभी तक आपने जो सिंपली सॉल्व किया वो एक्स वेरिएबल में था सो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें तो डिवाइड है और आप जानते हैं डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम रेसिप्रोकल भी फाइंड करते हैं तो बेटा जी सिंप्लीफाई करें सो स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेकिंग फोर टू ज एट तो आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स आपको सेवन चाहिए तो बेसिकली फैक्टर्स क्या बनेंगे एट और वन तो स्टूडेंट्स इट विल बी टू वाई स्क्वेयर प्लस एट वाई माइनस वाई माइनस फोर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स फोर्थ इज अ ट्वेल्व तो फैक्टर्स बेटा जी क्या आ जाएंगे माइनस ट्वेल्व वाई माइनस वाई प्लस फोर और बेटा जी इस डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में तो बेटा जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स सिक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन ओवर फोर वाई स्क्वेयर माइनस वन अब बेटा जी ये भी मिड टर्म ब्रेक होंगे तो देखें स्टूडेंट्स टू कॉमन तो वाई प्लस फोर माइनस वन कॉमन तो वाई प्लस फोर एंड सिमिलरली बेटा जी थ्री वाई कॉमन आ रहा है तो आप क्या करेंगे इसे वाई माइनस फोर लिख लेंगे स्टूडेंट्स माइनस वन कॉमन तो ये भी वाई माइनस फोर हो जाएगा अब बेटा जी क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका होगा तो वन इंटू सिक्स बेटा जी क्या आएगा सिक्स तो फैक्टर्स क्या होंगे थ्री और टू तो थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बायस फोर वाई स्क्वेयर इसको आप लिख सकते हैं टू वाई होल स्क्वेयर और इसको वन का स्क्वेयर सब बिल्कुल लिखा जा सकता है सो so, देखें बेटा जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वाई प्लस फोर इन टू टू वाई माइनस वन और वाई माइनस फोर इंटू थ्री वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय देखिए बेटा जी क्या कॉमन आ रहा है सर कॉमन आ रहा है थ्री वाई तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा टू वाई प्लस वन माइनस वन कॉमन तो बेटा जी ये क्या आ गया टू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब सर फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो बेटा जी से आप क्या लिखेंगे वाई प्लस फोर इंटू टू वाई माइनस वन ओवर वाई माइनस फोर इंटू थ्री वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री वाई माइनस वन इंटू टू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय टू वाई प्लस वन इंटू टू वाई माइनस वन अब देखें स्टूडेंट्स क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर थ्री वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस वन सर टू वाई माइनस वन टू वाई माइनस वन टू वाई प्लस वन एंड टू वाई प्लस वन सो बेटा ये सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल आंसर विल बी वाई प्लस फोर ओवर वाई माइनस फोर एंड दैट्स इट दिस इज योर आंसर सो so, स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सो so, 13 में देखें students, हमें ब्रैकेट्स गिवन है और डिवाइड है अगेन एक ब्रैकेट है तो बेटा जी सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आप बाकी टर्म्स को सिंपलीफाई करेंगे so, students, को करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्सक्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्र से तो आप क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्यर का स्क्वेयर माइनस अगेन स्टूडेंट्स प्लस वाई टाइम कैंसिल आउट होगी और ये क्या हो जाएगा एक्सक्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एल सी एम तो इट विल बी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई स्टूडेंट्स ऑबियसली एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई कैंसल होक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर अब आप जानते हैं ए प्लस बी स्क्र माइनस ए माइनस बी स्क्र सो इट्स अ फार्मूला एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर ए इंटू बी डिवाइडेड बायस इट एज इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अगेन बेटा जी यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एंड स्टूडेंट्स दैट इज अगेन ए प्लस बी स्क्र माइनस ए माइनस बी स्क्र सो इट इज इक्वल्स टू फोर ए इंटू बी एंड स्टूडेंट्स फॉर्मूला ओपन कर दें सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र अब बेटा जी आप लोग जानते हैं सिंप्लीफाई तो आप कर चुके हैं इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकेंड टर्म है स्टूडेंट्स तो उसका हमें रेसिप्रोक लेना पड़ेगा तो बेटा जी ये आएगा फोर एक्सक्वेयर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बायूडेंट्स यूमिनेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वेयर ओवर फोर एक्स वाई अब देखें बेटा जी जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वायेर एक्स स्क्वायेर माइनस वाई स्क्र से फोर फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स एक X, एक y, इस एक्स और वाई से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड स्टूडेंट्स वी विल हैव आवर आंसर एंड दैट इज एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सो दैट्स इट बेटा जी दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2. पॉइंट टू सबको समझ आ गया होगा इन सेक्शन में हम 6.3 का सलूशन करेंगे टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़